जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं लक्ष्मी मेडिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या धार्मिक कट्टरता सही है? क्या धर्म के नाम पर धर्म को बचाने के लिए हमें किसी का कत्ल कर देना चाहिए? इन सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। 15 अक्टूबर को एक ऐसी घटना घटी जिससे यह साबित होता है कि धार्मिक कट्टरता देश और मानवता दोनों के लिए कितनी खतरनाक और खौफजादा और जानलेवा भी है। 15 अक्टूबर को एक शेड्यूल कास्ट दलित लखबीर सिंह को सिंघू बॉर्डर पर जहां इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है, सिंघू बॉर्डर पर बेहद ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया जाता है कुछ निहंग सरदारों द्वारा। उन्हीं निहंग सरदारों का यह आरोप है कि लखबीर सिंह उस रोज सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को चुरा कर भाग रहे थे तथा उसने यानी लखबीर सिंह ने उस पवित्र पुस्तक की, उस होली बुक की बेअदबी की, जिसकी सजा उसको अपनी मौत से देनी पड़ी। एक बार फिर सुनिए दोस्तों, जिसकी सजा उसको अपनी मौत से देनी पड़ी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उसका हाथ काट दिया गया, हाथी कलाई काट दी गई, पैर काट दिया गया और निहंगों द्वारा उसको बैरिकेड पर टांग दिया गया। और तो और, निहंगों को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि उन्होंने एक आदमी का कत्ल कर दिया। अफसोस, दुख, गम शायद इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। जहाँ धार्मिक कट्टरता की बात आती है वहाँ अफसोस गम की बात नहीं आती है, जहाँ तक मेरी राय में। वह कहते हैं कि अगर आगे भी ऐसे किसी ने बेअदबी की तो उसका परिणाम भी यही होगा। अभी तक 2 से 3 निहंगों ने अपने आप को बड़े ही गर्व से पुलिस के हवाले किया। उनका यह मानना है उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने धर्म को बचा लिया और एक मनुष्य को मार दिया। धार्मिक कट्टरता इस देश को कहां ले जाएगी, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप यह सवाल किसी भी धर्म के ठेकेदार से पूछेंगे तो उसका एक ही जवाब होगा कि वह कहेगा धर्म को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसका परिणाम हमने सिंघू बॉर्डर पर देखा। मेरी राय में धार्मिक कट्टरता एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ साथ औरों को और मानवता को ले डूबती है और यह किसी एक धर्म में नहीं, मैं सिखों की बात कर रहा हूँ वर्तमान समय में, मगर सिखों में नहीं है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है ये धार्मिक कट्टरता, इन सब में है। मैं पूछता हूं कि क्या आपका धर्म इतना कमजोर है कि आपको उसे बचाने के लिए दूसरों को या खुद को बलि का बकरा बनाना पड़ता है? फिर से मैं एक बार यही सवाल करता हूं, मैं पूछता हूं कि क्या आपका धर्म इतना कमजोर है जिसको बचाने के लिए आप अपनी तो क्या औरों की भी जान दे देते हो? अंततः हमारी यही मांग है कि इस मामले में CBI द्वारा निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। अंत में साथियों, मेरा आपसे यही सवाल है कि ऐसी घटनाओं का मुख्य कारण क्या होता है और इसका परिणाम क्या होगा और यह देश पर किस तरह से असर करेगा? इन्हीं सवालों के साथ आज के सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमो भक्त सुमंगलम।